जी प्रियंका। हाय गुड इवनिंग सुमित। श्रद्धा कह रही थी आपके साथ काम करना चाहती है, शी अडोर्स यू। आई नो, मतलब सवाल क्या था सर? सवाल ये है कि अगर आप प्रोड्यूसर बनी गई हैं तो अपनी फिल्म उनके साथ। Oh, I don't know about as a producer. I think Shraddha बहुत talented actor है and I admire her tremendously. And I hope कि हमें कभी मौका मिले producer हो as co-actors हो. I don't know how, but I hope that we get a chance to work together. प्रियंका किसी भी महफिल में नहीं पहुंचती हैं आजकल, फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी महफिल में, तो अधूरा अधूरा सा लगता है। फिर से मैं पूछूंगी सवाल क्या? सवाल ही अब इसके पर आपको मतलब तो इसका मतलब ये है कि आप बोर हो जाते हैं मेरे बिना बेसिकली। सुनो, मेरा मतलब ये कि आपको आना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक ही हूँ ना, जिस दिन मेरे क्लोन्स बन जाएंगे तब मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकूँगी एक साथ और एक साथ हर जगह पहुँच सकती हूँ, बट एज ऑफ नाउ इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। आई एम वेयरिंग गौरी एंड एन कटिंग। मैं कभी किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करती ज़िंदगी में, जो सामने आता है बस उसका मुकाबला करती हूँ। आई होप कि दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है। नो, आई गॉट मोस्ट ऑफ देम फॉर बर्थडे, एक दो नहीं मिले, बट दैट ऑलवेज हैपेंस। देयर आर सो मेनी अवार्ड्स एंड देयर आर सो मेनी परफॉर्मेंसेस, सम यू गेट, some you don't, some you win, some you lose, and I'm just hoping for the best for tonight. Priyanka, Republic Day pe Mr. Barack Obama India aa rahe hain aur main unke ghar ja rahi hu, main LA mein hu, main America ja rahi hu, wo India aa rahe hain. As of now I can't really talk about it, but I have met Prakash ji. I hope so. I hope that does happen. नहीं अभी तक ऐसा। मैं उनको फोन करके विश दूंगी, आप लोग उनके सामने आती, दीज आर पर्सनल थिंग्स एंड दे शुड बी केप्ट पर्सनल। डॉन 3 इज नॉट बीइंग डन एज ऑफ नाउ। थैंक यू गाइस। जरूरी होता है आजकल के समय में फिल्म को एग्रेसिवली प्रमोट करना। आई थिंक प्रमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ अ फिल्म। इट इज़ नेसेसरी, बट जो फेट है फिल्म की आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिल्म और हमारी ऑडियंस पे। प्रमोशन से ज़रूरी हो जाता है, मतलब ये हो जाता है कि लोगों को अवेयरनेस आ जाती है फिल्म आ रही है, वो उतना काम करती है, बट देख के डिसाइड करना वो ऑडियंस का काम है कि अगर प्रमोशन के बाद कि क्या उनको फिल्म देखनी है क्या नहीं देखनी है। नेक्स्ट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म। रमी अलाली देखो, एक जब एक स्क्रिप्ट आती है हमारे पास तो एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म होती है, हीरो ओरिएंटेड फिल्म होती है, उसकी हमारे ऑब्वियसली एक बड़े से विश लिस्ट होती है और वो एक टॉप विश लिस्ट होती है कि उसमें दो तीन एक्ट्रेसेस होती हैं, उसमें सोनाक्षी क्यों, दो तीन और एक्ट्रेसेस थी, बट सोनम वॉज द बेस्ट सूटेड फॉर दैट रोल। एंड जो पैरामीटर्स थे जो फिट होने के लिए, कि जो स्क्रिप्ट पसंद आना, उनके पास डेट्स होना, उनका एंथुजियाज्म होना, डेडिकेशन होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत फिट हो गई, इस वजह से सोनम केम ऑन बोर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सोनम इज देयर बिकॉज शी सीम्स टू बी द बेस्ट चॉइस राइट नाउ फॉर द फिल्म दैट वी हैव डन। आप लोग कपिल शर्मा के शो शूट करके आपने ले लिया और उन्हीं के शो में जाके पेश भी किया है। जी हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हमको वो कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमारी फिल्म में जो डॉली का जो किरदार है वो काफ़ी लोग दूल्हों को मतलब चकमा देके निकल जाती है, तो उनको बाबा जी का ठुल्लू दिखा के जाती है ऑलमोस्ट। यानी कि कॉपीराइट वगैरह कुछ ऐसा चक्कर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको वैसे फ़ोन ज़रूर किया था बिकॉज आई डेंट नो कि वेदर दैट पर्टिकुलर फ्रेज हैड एनी काइंड ऑफ किसी का पेटेंट था कि नहीं, तो उन्होंने तो मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत विलिंगली आप यूज़ करें, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है एंड वील बी वेरी हैप्पी। एंड एक स्टेज पे मैं चाह रहा था कि वो गाना कपिल गाए,
کہ بٹ ہی واز سو بزی وتھ ہز فلم وتھ عباس مستان اور ہم نے بہت جلد اس کو ریکارڈ کرنا تھا کیونکہ وہ پروموشنل گانا تھا تو ہی کڈ ناٹ سنگ اٹ دین واجد ہیز سنگ دا سانگ اینڈ ہی سنگ اٹ آلسو ویری ویل جی نہیں میں ان کو میں ملا نہیں بیکاز آئی ڈنٹ سی دیم بٹ ایسا تھوڑی ہے کہ بیکاز ان کی فلم آ رہی ہے تو بھائی ہم ہماری کچھ دشمنی ہو گئی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے کچھ ایسا کچھ نہیں ہے ایک کسی بھی سال کے اندر کوئی بھی ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ ایک آئی تھنک 16 تاریخ کو شاید کچھ کتنی زیادہ فلمیں ہیں 3 ہیں اور کچھ 4 کچھ ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں 7-8 فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں تو ابھی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ سولو ریلیز ہر کو ملے گی ہم کو نہیں ملے گی شاید کسی اور کو نہیں ملے گی تو اٹس اوکے وی ہیو ٹو سی واٹ از دا بیسٹ سوٹیبل ڈیٹ فار یور فلم ہماری فلم جو شادیوں کی فلم ہے نومبر دسمبر جنوری فیب یہ شادیوں کا وقت ہوتا ہے اور یہ جو 26 جنوری کی جو چھٹی ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لیے ورک کرتی ہے اور الگ فلمیں ہیں اگر ایک جیسی فلمیں ہوتی تو کچھ آدمی سوچتا کہ یار اس کو نہیں لانا چاہیے لیکن ان کی آڈینس الگ ہے ہماری الگ ہے دیٹس دی ریزن وی کم Yes, why not? I don't know when that is going to happen, but that is definitely there in the pipeline. And hopefully when I have a script, when I start working on the script, and Salman and we sit down and work out, then we'll make an announcement. کچھ نہیں بول سکتے ابھی ہوگی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اور کیوں ہوگی ویل سی اکارڈنگ ٹو ہاؤ دی اسکرپٹ گوز I don't know if I am supposed to answer something like this because I am not an authority on why Sonakshi is she's doing very well for herself. She's probably got the maximum 100 crore club hits. So there is nothing wrong with the way she's doing. So that we all wish her all the very best. She's a very big star. She's a very talented actress. So I don't know what you see that's not okay with her. True. Yeah. Okay. Thank you. Yes, of course, the message for the World Cup is that don't let it go. Abhi hamare paas hai aur hamare paas hi rehna chahiye. And just stay focused and that's about it. And we'll have the World Cup. All the best Team India and bring the World Cup back home to India. Thank you. Hi, I'm wearing Q by Rohit and Rahul. I am. Very excited. I was very excited when I first heard I was nominated for Queen because I think Screen is one of the awards that I've sort of always wanted to come to and be nominated for, so I think it's really, I'm excited. Reward or award? Obviously reward is more important. I think the fact that I got to play the character that I did, Vijayalakshmi, was obviously very rewarding, and I always think it would be amazing to play a character that people can connect with or that imbues love and compassion and freedom, and that's what she really is, so that it was very rewarding to get to play her. There's a couple of things. Right now I'm sort of traveling with the CCL cricket team and working on endorsements, and I'll probably start doing a film with them. I am. When a special someone comes along. Why are you asking me this? Right now I'm by my lonesome. If there is a special someone, I assume they'd be next to me, right? Thank you. آج کی شام تو بہت ہی سندر اور سنہری ہے تو بہت بہت سالوں کے بعد مجھے بھی یہاں آنا ہوا ہے کیونکہ دے آر گیونگ می آلسو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر ادروائز اٹس نائس ٹو بی کنیکٹڈ ود دا انڈسٹری آلویز آئی ایم اسٹل ڈوئنگ ون آر ٹو فلمس بٹ آئی کین نیور فرگیٹ بیکاز آئی ایم آلویز پارٹ آف دس انڈسٹری شملہ مرچ آنے والے شملہ مرچی ابھی ویری سون از گوئنگ ٹو ریلیز سو اٹس نائس آل آف یو شوڈ واچ اینڈ سی ویری مچ
Yeah, I'm very happy that she's participating in Roadies. She's very excited. We are also excited. It's a nice opportunity for her to connect with a lot of more people, different type of people. My best wishes to the Indian team. I'm sure they will succeed. I'm not that much connected with this. We'll talk later. The dress, I'm wearing Manish Malhotra's sari. He has made this one. दिल्ली में इलेक्शन है 7 फरवरी को, इस बार कितनी उम्मीद है आपको दिल्ली में बीजेपी के आने की? देखिए, बीजेपी जहाँ जहाँ गए आते रहे हैं, सो उम्मीद डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है कि दिल्ली में भी जरूर आएंगे। और ओबामा आ रहे हैं 26 जनवरी को भारत में, आप मिलने जाएंगे शरीक? हाँ जी, मैं और हमारे परिवार में सब लोग जा रहे हैं मिलने। बहुत अपेक्षाएं हैं क्योंकि उनका आना एक बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे देश में, और जैसा मोदी जी चाहते हैं कि दोनों देश का मिलके बहुत कुछ काम आगे होगा। नहीं नहीं, मैं तो एक चलती फिरती गैग हूँ, मेरे ऊपर जो गैग हुए वो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज हैड सो मेनी गैग्स ऑन देम मच आई हैड, सो आई फील वेरी ओके एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। हंसी मजाक का माहौल है, यू नो नॉट गेट स्ट्रेस।